ये कहानी 83 ऐसे लोगों की है जो नए साल की शुरुआत में घूमने के लिए करीब 2500 किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए निकले, वो भी प्लेन के जरिए। प्लेन 80% का सफर कंप्लीट कर चुका था, पर अचानक से एरोप्लेन ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आने लगा। स्टार्टिंग में पायलट ने प्लेन को कंट्रोल में लाने की कोशिश की। प्लेन कंट्रोल में तो आया, मगर कुछ ही पलों के लिए दोबारा से प्लेन बढ़ने लगा जमीन की तरफ, वो भी उल्टा होकर। स्टोरी की शुरुआत हुई मैक्सिको देश के एक छोटे से शहर पोर्टो वलाटा के एयरपोर्ट से, जहां पर अलास्का एयरलाइन फ्लाइट 261 अपनी अगली उड़ान की तैयारी में है। प्लेन के दो पायलट में से कैप्टन की उम्र थी 53 वर्ष, जबकि फर्स्ट ऑफिसर की उम्र थी 57 वर्ष। दोनों के साथ 3 कैबिन क्रू तथा 78 पैसेंजर शामिल थे। 78 में 47 सीटर जा रहे थे, 30 सैन फ्रांसिस्को, 3 यूजिल, 3 जा रहे थे अलास्का की ओर, बाकी सभी अमेरिकी नागरिक थे। फ्लाइट यहां से जाने वाली थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। प्लेन अपने निर्धारित समय 1:37 पर उड़ान भरी। प्लेन उड़ान के कुछ ही मिनट बाद 9400 मीटर की ऊंचाई हासिल कर ली। अलास्का एयरलाइन पिछले सालों में काफी सक्सेसफुल एयरलाइन थी, उसके सारे प्लेन दुनिया भर में सफर कर रहे थे। यात्रियों का ट्रस्ट शुरुआत से ही बना रहा एयरलाइन पर। उड़ान के बाद सारी चीजें नॉर्मल थी, सामने मौसम बिल्कुल क्लियर था, प्लेन कंटिन्यू बढ़ रही थी अपने मंजिल की तरफ। आसमान में नॉर्मल क्लाउड थे, फ्लाइट की उड़ान में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आने वाली नहीं थी। प्लेन जब अपने निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच गया तो कैप्टन प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। प्लेन अपने निर्धारित ऊंचाई को मेंटेन रखने के लिए हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, जिसका काम प्लेन की ऊंचाई कम करना तथा फ्लाइट को डायरेक्शन देना होता है, उसको सही पोजीशन पर लगाने का काम शुरू किए। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के साथ एलिवेटर भी अपना काम शुरू कर दिया। अब तक तो सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी, पर अगले पल पता चला स्टेबलाइजर तो जाम हो चुका है। स्टार्टिंग में जब इस बात का पता कैप्टन को चला तो वे इससे ज्यादा सीरियस नहीं लिए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दोबारा से कोशिश करना शुरू कर दिए। पहले कोशिश में जब सफलता नहीं मिली तो स्टेबलाइजर के दोनों स्विच को एक साथ इस्तेमाल किया जाने लगा। इसकी जांच की गई तो पता चला स्टेबलाइजर जाम हो चुका है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि प्लेन में स्टेबलाइजर ही होता है जो उसे उसकी दिशा देने में मदद करता है। प्लेन की ऊंचाई बढ़ाई जाए या कम की जाए, उसे राइट में ले जाया जाए या फिर लेफ्ट में, ये सब डिसाइड करता है स्टेबलाइजर ही। जब स्टेबलाइजर पूरी तरह से जाम हो गया तो प्लेन को ऑटो पायलट मोड से हटाकर कैप्टन खुद प्लेन की कमान अपने हाथ में ले लिए। 6 मिनट तक प्लेन नॉर्मल तरीके से अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही थी। इस समय उसकी ऊंचाई थी 32,000 फीट। उड़ान के 1.5 घंटे बाद 3:49 पर प्लेन सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रडार में आ गया। कैप्टन ने तुरंत कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया, उन्हें सारी बातें बताई। प्लेन का हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर जाम हो चुका है, उसमें जरा भी मूवमेंट नहीं हो पा रही है। कंट्रोल टावर से दोबारा कोशिश करने को कहा गया। कप्तान ने दोबारा ट्राई किया, मगर हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पूरी तरह से जाम हो चुका था। मैन्युअली चालू करने की कोशिश की गई, पर वो नहीं हुआ। इस समय प्लेन मैक्सिको के बॉर्डर को पार करके जा चुका था अमेरिका के बॉर्डर में। प्लेन के नोज को डाउन करने की कोशिश की गई, पर वो नहीं हुआ। पिछले 21 सेकंड तक बार बार कोशिश की गई, पर उन्हें कहां पता था मैनुअल उसे ऑन करना खतरे से खाली नहीं है। 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, पर अचानक से प्लेन का सामने वाला हिस्सा आगे की तरफ झुकने लगा, प्लेन डिसबैलेंस होने लगा, सारी चीजें आ गई आगे की तरफ। अगले कुछ ही सेकंडों में 100 फीट से ज्यादा नीचे आ गया। नीचे आने की स्पीड रुकी नहीं बल्कि लगातार जारी थी। कैप्टन तथा फर्स्ट ऑफिसर को कुछ भी समझ में नहीं आया, आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या। प्लेन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, टूटे धागे के पतंग के समान प्लेन आ रहा था नीचे की तरफ। प्लेन के नीचे आने की स्पीड थी 80 से 100 किलोमीटर पर आवर की। ऐसा अगले कुछ सेकंड तक चला। प्लेन करीब 300 मीटर नीचे आने के बाद दोबारा से स्टेबल हो गई। स्टेबल होते ही दोनों पायलट प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए, क्योंकि नीचे आते वक्त सारा सिस्टम उनके हाथ से छूट गया था। दोनों बहुत ही घबराए थे, ऐसा उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक्सपीरियंस किया था। दोनों की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा थी, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद दोनों घबराए हुए थे। लॉस एंजलिस कंट्रोल टावर को सारी बातें बताई गई, ये भी परमिशन मांगी गई कि प्लेन को जल्द से जल्द आसपास कहीं उतारा जाए। बताने लगे प्लेन 31,000 फीट से 26,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुका है, हम सभी बचे हैं मरते मरते। कंट्रोल टावर से उन्हें बताया गया कि उनकी लोकेशन है समंदर के ऊपर, कहीं और जा भी नहीं सकते थे सिवाय लॉस एंजलिस के। पूछा गया क्या स्टेबलाइजर काम कर रहा है कि नहीं, तो बताया गया कि नहीं। उसी को चालू करने की कोशिश की जा रही थी, पर अचानक से प्लेन नीचे आने लगा। नीचे आने का रीजन उन्हें अच्छी तरह से पता था, ये स्टेबलाइजर की वजह से हुआ है, उसके नोज के डाउन होने की वजह से ही हो सकता है। कंट्रोल टावर एक बार उन्हें फिर से हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को ऑन करने के लिए कहा गया, पर वह चालू नहीं हुआ, जबकि एलिवेटर टैप्स डाउन हो रहा था। प्लेन के पैरेलल होने के बावजूद टर्बुलेंस कम नहीं हुआ था अंदर, सारे यात्री घबराए हुए थे, कई लोगों के सर पर गंभीर चोटें भी आई थी, क्योंकि उस समय लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था। अगली बार प्लेन के साथ ऐसा कब होगा किसी को नहीं पता।
अभी तक तो चीजें बिल्कुल ठीक हैं। प्लेन घने बादल से बढ़ रहा था आगे। स्टेबलाइजर के ठीक होने की संभावना भी नजर नहीं आ रही थी कोई। कंट्रोल टावर से फिर से कॉन्टेक्ट करके सारे सिचुएशन के बारे में बताया गया। चीजें अभी भी नॉर्मल नहीं है, हम प्लेन की ऊंचाई कम कर रहे हैं। इस समय प्लेन की ऊंचाई थी 24,000 फीट। इनका अब एक आखिरी मकसद था, कैसे भी करके प्लेन को रनवे पर उतारा जाए, क्योंकि प्लेन अगली बार कभी भी मूव कर सकता था। जैसा कि दोनों पायलट काफी एक्सपीरियंस थे, जब उन्होंने स्टेबलाइजर के काम न होने का रीजन पता किया तो ये बात सामने आई कि ऐसा तभी हो सकता है जब प्लेन में कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आई हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगर इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आई होती तो इन्हें इमरजेंसी का अलार्म सुनाई देता। उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबलाइजर के काम न करने का कोई दूसरा ही रीजन है जिसका उन्हें पता नहीं। बार बार कोशिश की जा रही थी मगर जाम हो चुका था स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर को दोबारा से चालू करने की कोशिश के साथ साथ लगातार कंट्रोल टावर से पल पल की खबर ले रहे थे। चलते प्लेन के साथ मेंटेनेंस का काम करना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं था। कैप्टन एयर होस्टेस से पैसेंजर के बारे में पूछने लगे। उन्हें शांति बनाए रखने को कहा गया कि प्लेन में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आई है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। पर असल में क्या था वह तो दोनों पायलट को ही पता है। सभी ऊपर वाले से विनती कर रहे थे बस हम किसी तरह से एयरपोर्ट तक पहुंच जाएं। प्लेन जैसे जैसे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था ऊंचाई लगातार कम हो रही थी। स्पीड कम करने से बिना स्टेबलाइजर का उपयोग करके ऊंचाई कम तो की जा रही थी, पर यह परमानेंट सलूशन नहीं था। पायलट का हर समय एक ही समस्या थी, उन्हें कैसे भी करके अल्टीट्यूड मेंटेन रखना होगा। इस समय प्लेन प्रशांत महासागर स्पेसिफिक ओशियन के ऊपर था। प्लेन की ऊंचाई दोबारा से कम करने का प्रोसेस शुरू किया गया, पर इससे पहले यात्रियों को सीट बेल्ट लगाकर रखने को कहा क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा करने के लिए उन्हें दोबारा से स्टेबलाइजर को ऑन करना था, पर कोई उम्मीद नहीं थी वह होगा या फिर नहीं। आगे प्लेन के साथ जो कुछ भी होने वाला था यह सब उन दोनों पायलट का एक्सपीरियंस ही तय करेगा। लेकिन अब तक स्टेबलाइजर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। उन्हें प्लेन की स्पीड कम करके ऊंचाई कम करनी पड़ रही थी। लेकिन जब आखिरी बार हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को चालू करने की कोशिश की गई तो अचानक से स्टेबलाइजर ब्रेक होकर पूरी तरह से टूट गया। स्टेबलाइजर के ब्रेक होते ही दोबारा से वही हुआ जो पहली बार हुआ था। प्लेन का सामने वाला भाग नीचे की तरफ झुक गया, बढ़ने लगा जमीन की तरफ। 18,000 फीट की ऊंचाई से प्लेन लगातार बढ़ रहा था नीचे की तरफ। पहली बार की तरह इस बार भी सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पहली बार स्टेबलाइजर टिल्ड हुआ था मगर इस बार तो पूरी तरह से टूट गया है। प्लेन को दोबारा से पैरेलल करना मुश्किल था। हर सेकंड प्लेन के नीचे आने की स्पीड बढ़ती गई। फ्लाइट कभी उल्टी हो रही थी तो कभी सीधी। जब प्लेन ऊपर से नीचे की तरफ हुआ तो पायलट तथा पैसेंजर फर्श से छत की तरफ चले गए। लगातार इमरजेंसी अलार्म बजता रहा। कंट्रोल टावर से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई मगर कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं। मेडे मेडे का अनाउंसमेंट भी किया गया। अब तक प्लेन पूरी तरह से हो चुका था उल्टा। प्लेन का कोई भी कंट्रोल पायलट के हाथ में नहीं था। उस समय का सीन इतना भयानक हुआ था। प्लेन के अंदर यात्रियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड करके सुना गया। जितने भी लोग सीट बेल्ट लगाए हुए थे उनका सारा बॉडी वेट कंधे पर था, खासकर कैप्टन तथा फर्स्ट ऑफिसर्स की। अगले कुछ ही मिनटों में प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई से बिल्कुल जीरो पर आ गई। अंत में जिसका डर था वही हुआ, प्लेन भी समंदर में जाकर क्रैश हो गया। प्लेन से जिस लोकेशन पर आखिरी बार कॉन्टैक्ट टूटा था सबसे पहले हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम पहुंची। वहां जाकर इन्होंने ऐसे नज़ारे देखे जिसे देखकर इतना तो एहसास हो चुका था कि किसी का भी जिंदा बचना पॉसिबल नहीं है। पानी में प्लेन के छोटे मोटे टुकड़े तैर रहे थे जबकि पूरा प्लेन गायब था, वह तो कब का डूब चुका था समंदर में। पर सबसे बड़े सवाल से पर्दा उठना बाकी था। प्लेन में बैठे हुए पूरे 83 लोग इस हादसे में मारे गए, कोई भी जीवित नहीं बच सका। प्लेन के मलबे को ढूंढने का काम शुरू हो गया। इन्वेस्टिगेशन की टीम प्लेन को ढूंढने के लिए समुद्र में काफी बड़ा मशीन डीप ड्रोन को नीचे उतारा गया। प्लेन के सारे टूटे हुए पार्ट जो भी सरफेस पर तैर रहे थे सभी को बाहर निकाला गया समुद्र से। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की जांच के बाद पता चला प्लेन के मेंटेनेंस के साथ लापरवाही की गई थी। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का जैक स्क्रू जिसकी हेल्प से ऊपर नीचे होता था स्टेबलाइजर, पहली बार जब वह काम करना बंद किया था तो उसके पिच कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम आई थी जिस कारण पहले तो जाम हुआ था। प्लेन का वह पार्ट जहां पर जैक स्क्रू लगा था उसकी डिटेल से जांच हुई तो यह बात सामने आई, जैक स्क्रू को निकलने से रोकने के लिए उसमें जो नट्स लगाए गए थे वह पूरी तरह से खराब हो चुका था। जब दबाव बार बार दिया गया तो वह पूरी तरह से बाहर निकल गया जिस कारण हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर डाउन हुआ और फिर प्लेन के साथ जो होने वाला था वही हुआ। प्लेन लगातार नीचे आती गई और अंत में समुद्र में क्रैश हो गया। उस समय प्लेन की टक्कर समुद्र में इतनी तेज हुई थी कि 83 में से कोई भी जीवित नहीं बच सका। पिछले दिनों से आपका एक कमेंट आ रहा है कि आप फेस कैम वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। फिलहाल 90% लोगों को पता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे फेस कैम वीडियो दूसरे चैनल पर आ रहा है। जिस तरह फ्लाइट 261 में सवार 83 लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बच सका, इसी तरह का एक हादसा हुआ था इस हादसे के करीब 5 साल पहले सन 1995 में एक हेलीकॉप्टर के साथ जो कई सारे वर्कर को लेकर जा रही थी एक ऑयल प्लेटफॉर्म पर।
जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में, जो दूसरे चैनल का है। यदि वहां तक पहुंच गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर इस चैनल से डिफरेंट टाइप की वीडियो आएंगी। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही, धन्यवाद।